नहीं। अस्सलाम वालेकुम, टुडे इज द थर्ड ऑनलाइन क्लास ऑफ ग्रेड 7 एंड टॉपिक इज मेटल एंड नॉन मेटल। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। साइंटिस्ट क्लासिफाई एलिमेंट इनटू टू कैटेगरीज, फर्स्ट इज मेटल एंड द सेकेंड इज नॉन मेटल। डेफिनेशन ऑफ मेटल। मेटल आर द सब्सटेंस दैट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल आपके पास ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी ईजिली पास हो जाए। फॉर एग्जाम्पल आयरन, स्टील। डेफिनेशन ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल्स आपके पास ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनमें से ईजिली हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल वुड, वुड में से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती। अबाउट 25% ऑफ अर्थ क्रस्ट इज कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। एलिमेंट फाउंड इन आर अर्थ क्रस्ट आर पोटेशियम, सिलिकॉन, जिंक, सोडियम एंड मैनी अदर एलिमेंट्स। स्टेट ऑफ मेटालिक एलिमेंट। मेटालिक एलिमेंट्स जो है मीन्स मेटल्स जो आपके पास हैं वो सॉलिड है रूम टेम्परेचर पे। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शनल केस है, वो है मर्करी का। मर्करी जो है लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे। अगर आपने मर्करी एलिमेंट को देखना है तो वो आप इजीली अपने होम में देख सकते हैं कि आपके पास क्लिनिकल थर्मोमीटर तो हर किसी के पास होता है। अब क्लिनिकल थर्मोमीटर के अंदर जो येलो पार्ट है वो है मर्करी, सही है। येलो पार्ट जो है वो मर्करी का है, इसलिए मर्करी जो है लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है क्लिनिकल थर्मोमीटर में। और इस मर्करी को यूज़ किया जाता है बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए पर्सन का। अस्सलाम वालेकुम, टुडे इज द थर्ड ऑनलाइन क्लास ऑफ ग्रेड 7 एंड टॉपिक इज मेटल एंड नॉन मेटल। प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। मेटल हैज शाइनी अपीयरेंस। अगर आप इस पिक्चर में देखें तो आपको ये शाइनी नज़र आ रहा है, इसकी जो अपीयरेंस है वो शाइनी नज़र आ रही है। ये जो पिक्चर आप मेंशन है ये पिक्चर है स्टील की। सेकंड कैटेगरी की तरफ अगर मूव करें, हाई डेंसिटी है। मेटल हैज हाई डेंसिटी क्योंकि यहाँ पे जो पिक्चर है वो स्टील की मेंशन की गई है और यहाँ पे जो स्टील की स्टेट है वो सॉलिड है। सॉलिड स्टेट में मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट वेरी क्लोज टू ईच अदर होती है, दैट्स व्हाई मेटल हैज हाई डेंसिटी, बिकॉज ऑफ अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल वेरी क्लोज टू ईच अदर दे हैव हाई डेंसिटी। हाई मेल्टिंग पॉइंट मेटल्स का क्यों होता है? हाई मेल्टिंग पॉइंट मेटल्स का इसलिए होता है कि इन मेटल्स को लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होती है एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए। मेटल आर डक्टाइल मींस आप इसको वायर फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो। मेलेबल आप इसको हैमर की हेल्प से डिफरेंट शेप्स में कन्वर्ट कर सकते हो। एंड सिनोरस मींस जब आप इसको हिट करते हो तो इसमें से एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होती है। प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल हैव डल अपीयरेंस। इनकी अपीयरेंस क्या होती है? डल होती है। जबकि हमने मेटल में पढ़ा हमारे पास मेटल की जो अपीयरेंस है वो शाइनी है। लो मेल्टिंग पॉइंट, बहुत कम अमाउंट ऑफ हीट इनको चाहिए
स्टेट को चेंज करने के लिए, एक स्टेट से, एक स्टेट ऑफ मैटर से दूसरी स्टेट ऑफ मैटर में कन्वर्ट करने के लिए इनको वेरी लो अमाउंट ऑफ हीट चाहिए। एंड लो डेंसिटीज, लो डेंसिटीज का रीज़न यहाँ पर ये है कि यहाँ पर जो 11 एलिमेंट्स हैं वो आपके पास क्या है, गैस फॉर्म में है, गैस स्टेट में है, और ओनली 10 एलिमेंट्स जो हैं वो सॉलिड हैं। तो यहाँ पर जो है, अगर गैस स्टेट में एलिमेंट है तो यहाँ पर लो डेंसिटीज हैं, उनकी अरेंजमेंट गैस में मॉलिक्यूल्स की बहुत फार अवे है, दैट्स व्हाई दे हैव लो डेंसिटी। दे आर नॉन डक्टाइल मीन्स वायर में कन्वर्ट नहीं हो सकते। नॉन मेटल को अगर आप वायर में कन्वर्ट करो तो वो नहीं हो सकते। ब्रिटल, ब्रिटल का मतलब यहाँ पर ये है, अगर आप इनको हिट करो बाय हैमर तो क्या होगा, ये टूट जाएंगे, ये किसी दूसरी शेप में कन्वर्ट नहीं होंगे। जैसे मेटल में हमने पढ़ा मेरेबल, मेरेबल का मतलब क्या था कि अब इनको हिट करें बाय द मीन ऑफ हैमर तो क्या होगा, डिफरेंट शेप में कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है, अगर आप इसको डिफरेंट शेप में कन्वर्ट करना चाहो तो ये नहीं होंगे, टूट जाएंगे। एंड नॉन सिनोरस, इनमें से कोई रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी, जो हमने मेटल के केस में देखा वहाँ पर रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होती है। एट द एंड ऑफ द लेक्चर देयर इज अ होम टास्क इन विच क्वेश्चन नंबर 1 इज डिफाइन मेटल इन टर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। हियर हिंट इज प्रोवाइडेड, यू जस्ट आंसर एट विच साइड मेटल इज प्रेजेंट इन पीरियोडिक टेबल। क्वेश्चन नंबर 2 इज राइट एनी 3 यूजेस ऑफ नॉन मेटल। क्वेश्चन नंबर 3 इज फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर 1, ऑल मेटल आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट डैश। नंबर 2, नॉन मेटल हैज डैश अपीयरेंस। थैंक यू।